तो हमने दो एग्जांपल किए, पहला एग्जांपल किया हमने इसको, दूसरा एग्जांपल हमने ए किया, और इस तरह के चार्ट। तीसरे एग्जांपल में हम मेल फीमेल चार्ट बनाना चाहते हैं। जैसे कि हमने बताया कि मेल फीमेल चार्ट में हम बात करेंगे थोड़ा सा, हमें हेल्प लेना पड़ेगा इसमें पावर पॉइंट का भी। तो क्या हेल्प लेना पड़ेगा हम बताते हैं। कुछ फीचर्स जो है पावर पॉइंट में है बट एक्सेल में नहीं है, इसलिए उसी चीज को हम बात करते हैं। तो यहां आपके इसमें इंसर्ट के अंदर में मेल फीमेल सेफ है, नहीं मेल फीमेल सेफ नहीं है, तो टेक्स्ट बॉक्स देते हैं। और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में हम यहां इंसर्ट में ही सिंबल होता है, सिंबल में रिबाइंडिंग टूल देखता हूं। भूल गया हूँ उसका फॉन्ट का नाम क्या है, नाम एक बार भूल गया हूँ, थोड़ा सा ढूंढने पड़ेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि इस तरह के चार्ट्स में बहुत पहले बनाया था ना, तो थोड़ा सा इंसान ही तो सर, और ढूंढना तो हमें कंप्यूटर ही पड़ता है। इसमें मुझे मेल और फीमेल का आइकन चाहिए और कुछ नहीं। देख लू सर, बुरा नहीं माने तो आप लोग। आइकन होता है ना, मुझे वो आइकन चाहिए सिंबल से। दीजिए मैं बदल देता हूँ। तो अपने पीछे भी खोजिए थोड़ा सा, क्या कहना ये मेल का हो गया। ये रहा,
था ना सर। जैसे मेल हो गया, मेल का ये रहा मेल, जेडी फॉन्ट कस्टम करके आता है, तो पहले फीमेल करता हूँ बाद में मेल करता हूँ, ये दो अलग अलग है ना, लेकिन इसकी साइज थोड़ा सा बढ़ाना होगा, तो इसकी साइज जो है मैं यहाँ हम डिजाइन पे आते हैं, इंसर्ट में ही आते हैं, इंसर्ट में हम सैप में आते हैं और ए वाली जो सैप है इसको मैं ड्रैग करता हूँ, अब से ब्लू ही लाने देता हूँ। अब इन दोनों को मैं यहाँ इसके इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट में यहाँ मर्ज दिख रहा है, तो एक होता है मर्ज, मैं क्या किया इन दोनों को मैं इसके ऊपर, और शिफ्ट के साथ मैंने इसको भी सेलेक्ट कर लिया, अब इसे मर्ज है, एक यूनियन होता है एक कंबाइन होता है, दिखा था कंबाइन पे क्या हुआ कि जितना जो एरिया फीमेल का था वो एरिया हमारा ब्लैंक हो गया। इसको इसकी जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं वाइट कर देता हूँ, नो फिल कर देता हूँ, तो इसमें जो बॉर्डर लाइन है आउटलाइन दे देता हूँ पहले मैं ब्लू का, और इसकी सैथ को नो कलर दे देता हूँ, ठीक है फिलहाल के लिए, बाद में इसको कॉपी करता हूं, और कॉपी करने के बाद मैं यहां पेस्ट करता हूं, हो गया। फिर मैं इस पे मान लीजिए चार्ट बनाता हूं, इंसर्ट, और यहां पे मैंने बताया था ना जैसे कि 100 क्या इंसर्ट, और हमने दे दिया चार्ट, इसको हमने डिलीट कर दिया, ये सही है। थोड़ा सा उल्टा हो गया, एक मिनट मैं सही करता हूँ, यहाँ हो जाएगा आपका मेल, यहाँ हो जाएगा फीमेल, यहाँ हो जाएगा आपका 95, यहाँ हो जाएगा 100, और यहाँ हो जाएगा हमारा 100 आउट ऑफ द 100, ये जरूरी है। फिर इसको हमने सेलेक्ट कर लिया इंसर्ट, और यहाँ पे हमने इनको सेलेक्ट करके डेटा पॉइंट में आता हूँ, फॉर्मेट डेटा पॉइंट, और इसकी ओवरलाइटिंग को हम 0% करेंगे, ये 100 वाला है ना, तो 95 किया, ये 2 नंबर है, इसको 1 नंबर कर देते हैं, ये आ गया ना 1 नंबर, जो 101 चला गया है इसको फिक्स कर देते हैं, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 100। अब हम इसको देखिए,
इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी किया और ये जो अंदर वाले है जो पहला वाला है उसको राइट क्लिक किया, फॉर्मेट डेटा पॉइंट डेटा सीरीज फिल, फिल में यहाँ पे पिक्चर्स, पिक्चर में क्यों इसको कर दिया क्या सर। अब देखिए थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी एट्टी और इस पे सेलेक्ट करके राइट क्लिक ऐड डेटा लेबल कर देता हूँ। एक मिनट इसको टू के वन कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट किया राइट क्लिक ऐड डेटा लेबल और फिर इसको जो वन है टू है उसको वन कर देता हूँ, पीछे भेज देता हूँ और इस थर्टी को ठीक है इसको बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा कर देते सही। अच्छा लग रहा है सर? जी सर डिफरेंट है, डिफरेंट है ना। तो अब तो हमने मेल पे किया, अब आपको इस पे फीमेल पे करना है। सर फीमेल किया मेल आप? हाँ मेल कर।